अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ टू फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस करने हैं, टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसकी डेरिवेशन जो है वो करते हैं ये कि ये फार्मूला किस तरह से बनते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के बड़े यानी कि अच्छी आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज हैं, यानी कि फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसमें भी बकायदा तौर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, फार्मूलाज में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं जी ये फार्मूला बनता कैसे है। जैसे मैंने लिखा जी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो टेन इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको साइन ओवर कोज लिख सकता हूँ। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना, यहाँ पर एंगल है इसका, तो एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे रहेगा और टेन जो है वो साइन ओवर कोज के इक्वल होता है ना, साइन ओवर कोज। ओके, अब बेटा आप इसके जो है ना फार्मूला एक्सपेंड कर दें। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा एंड साइन बीटा ओवर, और नीचे जो फार्मूला है कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ओके, अब आप देखें तो जो हमने प्रूफ करना है उसमें माइनस से पहले जो है वो वन है, यहाँ पे माइनस से पहले कोज अल्फ़ा कोज बीटा है। तो अगर मैं इसको वन बनाना चाहूँ तो कोज अल्फ़ा कोज बीटा से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, एक बात ये आप याद रख लें। दूसरा ये है कि टेन अल्फ़ा बनाना है तो यहाँ पर कोज अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, और कोज बीटा ख़त्म करना है तो कोज अल्फ़ा कोज बीटा से इसको डिवाइड करेंगे, तो साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बन जाएगा और कोज बीटा ओवर कोज बीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो अब आप देखें तो डिवाइड अप एंड डाउन बाय कोज अल्फा एंड कोज बीटा, तो आप न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोज अल्फा और कोज बीटा से डिवाइड कर दें, हर टर्म को आप इससे डिवाइड कर दें कोज अल्फा कोज बीटा से, तो साइन अल्फा कोज बीटा ओवर कोज अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा ओवर कोज अल्फा कोज बीटा ओवर। ठीक है जी, अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में भी हर वैल्यू को आप कोज अल्फा कोज बीटा से डिवाइड करते जाओ, कोज अल्फ़ा कोज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा को डिवाइड किया कोज अल्फ़ा कोज बीटा के साथ। तो अब आप देखें तो इनकी जो है ना कैंसिलेशन हो रही है, कोज बीटा से कोज बीटा कैंसिल हो जाएगा, कोज अल्फ़ा से कोज अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोज अल्फ़ा से कोज अल्फ़ा कोज बीटा से कोज बीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा जो है ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ओवर कोज बीटा जो है ये बन जाएगा टेन बीटा ओवर, ये सारे कैंसिल हो गए। ठीक है जी, कोज ओवर कोज कैंसिल हुआ, कोज बीटा से कोज बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन बच गया। वन माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा को क्या लिखेंगे आप, टेन अल्फ़ा, और साइन बीटा ओवर कोज बीटा को क्या लिखेंगे, टेन बीटा। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला जो है वो प्रूव हो गया, टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। तो ये फार्मूला जो है वो हमारा प्रूफ हो गया जी। ठीक है जी, प्रूफ कर लिया हमने। अब चलते हैं जी सेकंड
जो इसका है फार्मूला टेन इंटू एल्फा माइनस बीटा वाला, ठीक है जी, ये करते हैं उसी पैटर्न पर। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला जो है हमने प्रूव करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली टेन इंटू एल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी टेन को हम लिख सकते हैं साइन इंटू एल्फा माइनस बीटा ओवर कोज इंटू एल्फा माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि टेन जो है किसके इक्वल होता है साइन ओवर कोज के, तो साइन इंटू एल्फा माइनस बीटा ओवर कोज इंटू एल्फा माइनस बीटा। तो ये बेटा इसके फार्मूले एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा साइन एल्फा कोज बीटा माइनस कोज एल्फा एंड साइन बीटा ओवर कोज इंटू एल्फा माइनस बीटा पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो कोज एल्फा कोज बीटा प्लस साइन एल्फा और साइन बीटा आ जाएगा। ओके, अब जो हमने प्रूफ करना है रिजल्ट, उसमें प्लस से पहले नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो वन है, जैसे हमने टेन इंटू एल्फा प्लस बीटा में टेक्निक लगाई थी वैसे ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुझे जो है वो वन बनाना है। तो अगर मैं इसको कोज एल्फा कोज बीटा से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे वन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मुझे टेन अल्फ़ा बनाना है, यहाँ पे टेन बीटा बनाना है, तो जब मैं इसको कोज अल्फ़ा कोज बीटा से डिवाइड करूँगा तो कोज बीटा से कोज बीटा तो कैंसिल हो जाएगा और साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा जो है वो बन जाएगा टेन। तो अब आप डिवाइड कर दें, डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाय कोज अल्फ़ा कोज बीटा। ओके, कोज अल्फा और कोज बीटा से आप इसको डिवाइड कर दें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को, कि हर वैल्यू को साइन अल्फा कोज बीटा ओवर कोज अल्फा कोज बीटा माइनस कोज अल्फा साइन बीटा ओवर कोज अल्फा कोज बीटा ओवर, अब डिनोमिनेटर में हर टर्म को डिवाइड करें, कोज अल्फा कोज बीटा ओवर कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कोज अल्फा और कोज बीटा, ठीक है बेटा। अब देखें कोज बीटा से कोज बीटा कैंसिल हो गया, कोज अल्फा से कोज अल्फा कैंसिल हो गया, इसी तरह कोज अल्फा से कोज अल्फा कोज बीटा कैंसिल हो गया, साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा बचेगा। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कोज बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन बीटा ओवर, ये सारे कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा जी, वन, वन प्लस साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा। आप एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, अलहदा अलहदा लिख सकते हैं इसको, और साइन बीटा ओवर कोज बीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा को क्या लिखेंगे, टेन अल्फा, और साइन बीटा ओवर कोज बीटा को क्या लिखेंगे, टेन बीटा। तो इस तरह से ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो गया, टेन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो ये दोनों प्रूफ बेटा इसको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है आप लाजमी मुझसे शेयर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ बेटा।